हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा भाई राजीव अहीर। आज का टॉपिक है एस्पियोनेज सिस्टम इन मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य में जासूसी व्यवस्था। आचार्य चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में जासूसी व्यवस्था विशेष रूप से विकसित की। पुलिसनी नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी राजा के द्वारा, और ये राजा के द्वारा ही डायरेक्ट किए जाते थे, राजा ही इन्हें आदेश और निर्देश देते थे। ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स कहलाते थे, पुलिसनी, इनका नाम था पुलिसनी। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदक नाम के अधिकारी थे जो स्पेशल रिपोर्टर्स थे राजा के, यानी राजा को ही ये रिपोर्ट करेंगे और राजा के ही लिए विशेष रूप से ये जानकारी जुटाया करते थे। इसके अतिरिक्त समस्त नाम के अधिकारी थे, ये स्थिर जासूसी करते हैं या फिर इन्हें स्टेशनरी स्पाइस कहा जाता है। ये चार अलग अलग नामों से अलग अलग प्रकार के इस समस्त हुआ करते थे। तो समस्त हुए चार प्रकार के, कपाडिक, उदस्थिता, वैदेहक और तपस। एक बार फिर से, समस्त नाम के जो स्थिर जासूस हुआ करते थे ये चार प्रकार से जाने जाते थे। अलग अलग चार प्रकार के अधिकारी थे, कौन कौन से? कपाडिक, उपस्थित और वैदेहक और तपस। इसके अतिरिक्त आचार्य चाणक्य ने खुफिया गुप्तचरों की नियुक्ति करवाई, सीक्रेट एजेंट्स की नियुक्ति करवाई, जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता है। आई रिपीट, गूढ़ पुरुष। तो अभी तक हमारे हो गए पुलिसनी जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, प्रतिवेदक जो स्पेशल रिपोर्टर्स हैं राजा के, स्टेशनरी स्पाइज या फिर समस्त जो चार प्रकार के हुआ करते थे, कपाडिक, उदस्थिता, वैदेहक और तपस। इसके अतिरिक्त गूढ़ पुरुष जो खुफिया गुप्तचर थे, सीक्रेट एजेंट थे। इसके अतिरिक्त संचारह, जिन्हें वेंडरिंग स्पाइज या घुमंतु जासूस बोलते थे, संचारह घुमंतु जासूस होते थे। ये तीन प्रकार के थे, सात्री, तीक्ष्ण और रसद। आई रिपीट, संचारह वर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते थे संचारह, सत्री, तीक्ष्ण और रसद। इसके अतिरिक्त आचार्य चाणक्य ने जासूसी व्यवस्था को मौर्य साम्राज्य में सुदृढ़ करने के लिए विषकन्याओं की नियुक्ति की। विषकन्याओं के अतिरिक्त भिक्षुकीज और ब्रिशालीज और कारा, कारा भी सीक्रेट एजेंट हुआ करती थी। इस प्रकार कई सारे अधिकारियों की और खुफिया जासूसों की नियुक्ति की गई मौर्य साम्राज्य में, और आचार्य चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के जासूसी व्यवस्था पर विशेष बल दिया। एक बार पुनः सभी अधिकारियों के नाम जो मौर्य साम्राज्य की जासूसी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं, पुलिसनी, प्रतिवेदक, समस्थाज, गूढ़ पुरुष, संचारह, विषकन्या, भिक्षुकी, ब्रिशाली और कारा। समस्त नाम के जो स्थिर जासूस हुआ करते थे ये चार प्रकार के थे, कपाडिक, उदस्थित, वैदेहक और तपस। इसी प्रकार जो संचारह या वेंडरिंग स्पाइज घुमंतु जासूस या गुप्तचर हुआ करते थे ये तीन प्रकार के थे, सत्री, तीक्ष्ण और रसद। धन्यवाद।